और इस समय यहाँ पर दो गाड़ियों का संख्या आ चुका है, दो क्लीन सिटी गांधीनगर का जो है गांधीनगर। तो सक्सेसफुली अपना काम हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ से भी रिटर्न चलते हैं वापस फटाफट इम्पोर्ट सिटी गांधीनगर। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ लजी रेस्टोरेंट के नीचे। यहाँ पर मैंने 14-15 के अंदर 2014-15 के अंदर बहुत टाइम निकाला है, डेढ़ दो साल निकाले थे। तो शायद देखिए कैसे बना रखा है इसको, क्या चक्कर ही क्या। रेस्टोरेंट को हम लोग देखने के लिए आए थे, वो तो बंद हो चुका है। अभी मुझे रिपोर्ट मिली कि ये रेस्टोरेंट तो 5 महीने पहले क्लोज हो चुका है। और ये तो देखिए अपने यहाँ पर चाय भी चालू है, और साथ में स्नैक्स के लिए पपड़ी भी है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक और ब्लॉग में। तो दोस्तों एक और वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, और आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाहर मॉनसून बहुत खतरनाक लगा हुआ है, मुझे जो कल काम पेंडिंग रह गया था गांधीनगर और बैंक वाला वो भी पूरा करना है, और बहुत चीज़ें बाकी है वो कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो निकल चुका हूँ घर से वापस बाहर, और अपनी बाइक रेडी है, और अपन पर मौसम भी ऐसे ही लगा हुआ फुल, देखते हैं कितनी देर में बारिश आती है। तो सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं और फटाफट निकलते हैं, क्योंकि काम पूरा होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलो आपको मिलता हूँ सीधा रोड पे। तो दोस्तों अभी घर से निकल चुका हूँ, अपने यहाँ से राइड वापस 13 किलोमीटर की होने वाली है। आप बोले घाट से गांधीनगर 13 किलोमीटर दूर है, बारिश का मौसम चालू होने वाला है, तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ बाट चौकड़ी के ऊपर, और मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये सर्कल है, सर्कल से मुझे राइट जाना है। तो ये है गांधीनगर की तरफ सीधा मोटेरा की तरफ, और लेफ्ट साइड में जो रोड जा रहा है वो है इंदिरा ब्रिज की तरफ। तो चलो अपनी राइड शुरू कर लेते हैं, और यहाँ से चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और नज़ारा को आनंद लेते हैं, और आपको भी नज़ारा दिखाते हैं। तो चलो फिर एक बार फिर से अपनी राइड शुरू हो गई है, और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपको बेटर से बेटर नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँ। बारिश में तो यार ये बाइक परेशान करती है, अगर आप लोगों के पास में किसके पास में पल्सर है या ऐसे ही ट्रेंड्स परेशान करती है तो आप लोग भी कमेंट में बताइए इसका शॉर्टआउट क्या है, रीज़न क्या है। एक्चुअली मैंने कल साफ भी कराया है काफ़ी, लेकिन फिर भी इसका कोई शॉर्टआउट निकला नहीं है। देखते हैं क्या होता है, पानी चला जाता है टाके के अंदर, मैंने इसका करवाया था लेकिन फिर भी दिक्कत तो रहने वाली है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपोलो सर्कल, सामने आप देख पाएंगे तो ये अपोलो सर्कल है, ये नाना चिल्ला की बोर्ड जा रहा है सीधा गांधीनगर, और ये जो लेफ्ट साइड में जो रोड जाएगा वो वैष्णो देवी वाला है। दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी नर्मदा कैनाल के पास में, ये है नर्मदा कैनाल, आप सामने की साइड में देख पाएंगे तो बहुत गहरा है, इसकी चौड़ाई लगभग 200 मीटर है, और गहराई में लगभग 5 हाथी जितनी जगह है इसके अंदर, बहुत गहरा है, कहते हैं कि 5 इंच आराम से डूब सकते हैं, और इस तरफ से आई आ रही है और जा रही है धन में, तो बहुत कजब है। कहते हैं कच्छ ब्रिज के अंदर पानी की तरफ शॉर्टेज है, तो ये पानी वहाँ पर जाता है खेतों के लिए सप्लाई वगैरह के लिए। तो और यहाँ पर आप रोड पर भी पाएंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे देखने मिलेंगे, एक बड़ा वाला प्लस लगा रखा है यहाँ पर, और जब कोई VIP आते हैं मोदी वगैरह आते हैं तो ब्रिज के ऊपर बहुत गर्जे का डेकोरेशन रहता है। तो चलो अभी यहाँ से भी आगे यात्रा बढ़ाई जाए।
लगने वाली है, तो अभी हम लोग चलते हैं। और आप देखते हैं ग्रीनरी बहुत प्रसन्न की है, और थोड़ा इसको बंद कर लेता है उधर से। और उन्होंने यहाँ पर दो गाड़ियाँ रखी थी खाने की, उनका एक का तो हो गया पूरा पहिया बेचार, इसके भी सामने लगा दिया ये डिवाइडर, मतलब भी इसका भी पूरा हो जाएगा कल्याण। क्या होता है मतलब यही जाना राम जाना भाई, अपन क्या बोले अपने लिए किस्मत है बेटे। और जब से ये गार्डन बनना लगा बहुत एक बार फिर से एक डाइवर्ट आ चुका है यहाँ पर भी एक दोस्तों। अभी मैं बैठ चुका हूँ भाई जी बुरा चौकड़ी, और वहाँ पर रोड का काम चौरस वोरस है, शायद ओवरब्रिज का काम चल रहा है, और साइड में ये जो एक्स्ट्रा रोड है भी है। अभी मैं वाला पे पहुंचने वाला हूँ, सामने बोर्ड लगा हुआ है, बहुत सारे जानवर जुट चुकी है। जो अहमदाबाद गांधीनगर सबसे बड़ी बिल्डिंग है, आई थिंक 22 या 23 माल की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और अभी हम लोग ऊपर चढ़ने वाला ब्रिज के ओवर ब्रिज है, और नीचे जो रोड राइट जा रहा है जुट चुकी के लिए लेफ्ट साइड में आया, वो रिलायंस चौकड़ी होकर सर्कल है सरकासन वाला, तो हम लोग सीधे सीधे चलेंगे। आपको भी यहाँ के शानदार नजारे को मैं वीडियो कराता हूँ। इंटरसिटी मेट्रो स्टेशन ये अभी पहले PIP 1 नया रखा है, अभी मेट्रो चालू हुई नहीं है, उससे पहले ही PIP 3 उसमें तैयार करने की प्रोसेस चालू है, और ये इंटरसिटी है। फाइनली आधे घंटे का सफर के बाद में मैं पहुंच चुका हूं अपनी इंफोसिटी बैंक बैंक ऑफ इंडिया के सामने, और कल भी आया था लेकिन कल बारिश की वजह से अपना काम फेल्ड हो गया था। तो अभी चलते हैं अंदर, लगभग अब काम हो जाएगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर और चक्कर मारने पड़ेंगे। तो चलो चलते हैं अंदर ब्रांच के अंदर। तो फाइनली अपना काम हो चुका है, और अभी हम लोग चलेंगे सुमन टावर के पीछे जो अपना MS ऑफिस है सचिवालय के पास में, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं और आगे की प्रोसेसिंग एक्टिव करानी है। तो जो भी है वो देखते हैं, और यहाँ से अपनी गाड़ी चालू करके चलते हैं, और आपको भी आगे के नज़ारे भी कराते हैं। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो चलिए अपनी राइड फिर से शुरू करते हैं, एक बार फिर से बोलिए महादेव। और
लीजिए, आनंद लीजिए। और कितना गजब का ब्रिज है और बहुत सारे चित्र उतरे हुए हैं बहुत गजब की। देखिए आप डिजाइन आकर क्या देख पाएंगे, मछली वाला सीन भी रखा तो वहां से वापिस इस तरफ निकलते हैं हम लोग। वो जो ये दूसरा मेट्रो ब्रिज के ऊपर स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन पहले तो आपको मैंने चार जिले से पहले दिखाया था, वो दूसरा है। वो अभी बहुत बड़ा है, ये विशाल बना रखा है बहुत गजब का। और मेट्रो के ऊपर भी कितना गजब का ये दिखा रखा है आपको। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं महानगर पालिका के बाहर और ये है ऊपर साइड में नगर पालिका गांधीनगर। और चलते हैं अंदर की साइड में और कुछ इस तरह के शानदार नज़ारे हैं। और अभी हम लोग चलेंगे अंदर, शायद अपना काम हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो काफ़ी धक्के खाने पड़ेंगे। जगह का मैं सकड़ा रास्ता है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सैड होना पड़ा डिवाइड के पास में। और बहुत बड़े बड़े जामुन के पेड़ हैं यहाँ पर और चल रहे हैं अभी। और बिल्डिंग बहुत बड़ी है भाई, ये है कुछ इस तरह का सच्चे वाले गलत। ये है महानगर पालिका बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स। तो सक्सेसफुली अपना काम हो चुका है यहाँ पर और यहाँ से भी रिटर्न चलते हैं वापस फटाफट इम्पो सिटी गांधीनगर और इम्पो सिटी रिसोर्ट के जो अपना कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर अपनी बैंक है, वहाँ पर ऑफिस अपना दूसरा काम निपटा के फिर भागना पड़ेगा घर की तरफ क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, मानसून लगा हुआ है। अभी मैं पहुंच चुका हूं लजी रेस्टोरेंट के नीचे। यहां पर मैंने 2014-15 के अंदर बहुत टाइम निकाला है, दो साल निकाले थे और बहुत टाइम बाद में सीढ़ियों को चढ़ने का मौका मिला है मुझे। एक्चुअली मुझे जेरोक्स करानी है और यहीं पर ऊपर जेरोक्स वाला प्रिंट वाला है तो वो भी काम कराना ज़रूरी है। और ये जगह मुझे बहुत पसंद है, यहां पर मैंने बहुत टाइम निकाला था अपना, ये वाला एरिया है मुझे याद है, सामने संकल्प है और अपने सारे दोस्त। अभी तो शायद देखिए कैसे बना रखा है इसको, क्या चक्कर ही क्या बंद हो गया मेरे को अलग रुपया। और चलते हैं प्लेंट वाले के वहाँ पर, शायद अपना काम हो जाए जेरोक्स करवा के। तो वही हमारा काम हो चुका है और जिस रेस्टोरेंट को हम लोग देखने के लिए आए थे वो तो बंद हो चुका है। अभी मुझे रिपोर्ट मिली गई ये रेस्टोरेंट तो 5 महीने पहले क्लोज हो चुका है। अभी यहाँ का स्टाफ कहाँ गए पता नहीं है, आई डोंट आइडिया, लेकिन बहुत टाइम निकाला था हम लोगों ने यहाँ पर तो याद आता है ये पल, क्या करें। तो फाइनली अपना सारा काम सब कुछ फिनिश व्यवस्थित तरीके से हो गया है
और यहाँ से अभी मुझे वापस निकलना पड़ेगा घर के लिए। बारिश भी चालू हो चुकी है, झमझम झमझम आप देख पाएंगे, और ये आप मेरे पीछे देख पाएंगे इम्पोशुटी बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, और ये अपनी गाड़ी पड़ी है। तो चलो यहाँ से रवाना होते हैं, और अभी बारिश आती है तो ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली 15 मिनट के डिस्टेंस के बाद, 15 मिनट के सफ़र के बाद में मैं घर पहुंच चुका सेफली। और घर आते ही मासूम बहुत गजब का प्यारा लगा हुआ है बाहर, और चाय पीने की इच्छा हो रही है। तो देखिए अपने यहाँ पर चाय भी चालू है, और साथ में स्नैक्स के लिए पपड़ी भी तैयार है, आलू पापड़ी ट्राइड कर लेते हैं, और भी चाय का नज़ारा लेते हैं। ऐसी मौसम हो रंगीन और गर्म गर्म चाय हो, साथ में कुछ स्नैक्स हो, तो मज़ा ही कुछ बहुत है। देखिए शानदार वातावरण, और उसके साथ में गर्मा गर्म ये है चाय, और उसके साथ में है स्नैक्स में बुंगड़ा और पापड़ी। तो थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, चाय का आनंद लिया जाए, और इस नज़ारों को एक साथ में इस पल के नज़ारों को आनंद लिया जाए। तो चाय और पीते हैं, इसके बाद में देखते हैं क्या करना है। देखो 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 कौन आया है भाई, कौन है, कहाँ जाके आया? क्या पढ़ के आया? एस। अरे वाह, गोलू के भूखड़े है ना। गोलू तो अभी दूध नाश्ता का, चाय नाश्ता का करेगा ना। तो लो जी अभी हम लोगों ने चाय भी पी ली, और शाम का आप देखिए क्या गजब का नजारा है भाई। और ये आपको जूम करके दिखाऊं, बारिश खतरनाक सा मौसम है। एक बार छत पे चला जाए, और छत का ऊपर भी एक बार चारों तरह के नज़ारे आपको दिखाता हूँ कैसा है। वाओ, बारिश अभी आने ही वाली है। आप कहाँ चले भाई? मैं आपके साथ थोड़ा देख रहा हूँ। और ये अपना जो बाथरूम है उसके ऊपर सफाई कर रखी है हम लोगों ने, अभी थोड़ा टेरेस में चला जाए क्योंकि वहाँ के भी आपको नज़ारे दिखाने हैं। हाँ, यहाँ पे ये शहर बड़ा होने वाला है। और ये कुछ कौन सा? ये वाला, हाँ, ये अपनी छत है, और छत से आपको मैं आगे के साइड में दिखाऊं, ये अपना पुराना जड्डा अभी खराब हो चुका है, दूसरा लगाना पड़ेगा। और ये कुछ इस तरह का व्यू है, और नज़ारे वगैरह आपको बहुत गजब के मिलने वाले हैं, और चारों तरफ बारिश ही बारिश, चारों तरफ एकदम व्यू। और इस तरफ आप देखिए ये है शानदार नज़ारे। तो बाहर तो मौसम वैसे के जैसे बना हुआ है, बहुत खतरनाक बारिश चल रही थी पिछले 1.5-2 घंटे से, लगातार बारिश हो ही जा रही है। और अभी हमारे यहाँ पर भी तैयारी हो चुकी है डिनर की, तो एक साइड में बन रही है दाल, और एक साइड में तैयारी हो रही है बाटी की। तो आज डिनर में स्पेशल दाल और बाटी बनने वाला है, तो तड़का लग रहा है, शौक लग रहा है अभी। और आप लोग भी थोड़ा सा और नज़ारे का आनंद लीजिए। पूरे दिन की दौड़ भाग के बाद में अभी मैं घर पर आ चुका हूँ फाइनली, और डिनर की तैयारी हो चुकी है। डिनर में मस्त वाला खाना बना है, दाल बाटी राशन का स्पेशल खाना है, साथ में है अचार चटनी दही और घी। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मेरे साथ में बोलिए हर हर महादेव।